हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपके पास एक लावा स्मार्टफोन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लावा फोन में एक प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। और मुझे कुछ फ्रेंड ने बताया, कमेंट करके बताया कि उसमें लावा फोन में जो एप्लीकेशन है वो हाइड हो जाता है, तो उसको कैसे इनेबल करें, जो हाइड एप्लीकेशन हो गया है उसको कैसे वापस लाए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका फ़ोन का एप्स हाइड हो गया है उसके लिए आपको सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिसेट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिसेट एप्स परफॉर्मेंस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रिसेट ऐप्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर डिसेबल ऐप्स, डिसेबल ऐप नोटिफिकेशन, मतलब अपने डिवाइस पर जितने भी ऐप्स है वो सारा न्यू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन हाइड नहीं हुआ है तो आप लोग रिसेट मत कीजिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि डाटा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यही एक जरिया है, अगर एप्लीकेशन हाइड हो गया है तो आप लोग वापस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इस वीडियो में आप लोगों को यही दिखाना था, सिंपल सा वीडियो है। ये प्रॉब्लम किसी किसी डिवाइस में दिखा रहा है और मुझे कमेंट करके बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया, इसलिए वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।